मेरा नाम सुमन कुमारी है, मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मैं आज यहाँ एक सुविचार प्रस्तुत करने वाली हूँ। सपने वो नहीं जो सोने पर आते हैं, सपने वो है जो सोने नहीं देते। बहुत अच्छा, एक सुविचार कितना सुंदर है। ए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का ये सुविचार, सपने वे नहीं जो सोने पर आते हैं, सपने वे जो सोने नहीं देते। कितना सुंदर सुविचार है, देख रही हो ना, बहुत सुंदर। चलिए सुमन के लिए ताली बजाइए। इसी तरह से बच्चे लाएंगे बाल मंच पर। आपको भी कुछ बोलना है? बोली 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 मैम बोलेगी। गुड मॉर्निंग गर्ल्स, मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था कि प्रतिदिन यहाँ पे एक समाज सेवक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, पर एक दो दिन, तीन दिन, चार दिन ये चीज़ें हुई। कुछ समाज सेवकों के बारे में लड़कियों ने कुछ जानकारियाँ इकट्ठी की और यहाँ पे आकर बताया, लेकिन फिर वही हो गया कि अब कोई भी लड़की लेकर नहीं आ रही है। तो मैं आज से फिर से शुरुआत कर रही हूँ, और आज मैं जो एक प्रमुख समाज सेवक हैं, शायद आपने उनका नाम सुना होगा, श्रीमान विनोबा भावे जी के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। क्या आपने कभी भी विनोबा भावे का नाम सुना है? नहीं सुना है तो ये बहुत बड़ी गलती है, कि ये हम लोगों की भी गलती है और आप लोगों की भी, कि कहीं ना आपने जहाँ महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू के बारे में इतना कुछ सुना है और विनोबा भावे का नाम तक नहीं सुना है। विनोबा भावे भी एक बहुत बड़े चिंतक और बहुत बड़े समाज सुधारक थे। उनकी उपलब्धियाँ हम लोग उंगलियों पर नहीं गिन सकते हैं, इतने अच्छे अच्छे उन्होंने काम किए हैं। जितने गांधी जी ने जितने काम किए हैं, उसमें उनका भी बराबरी का योगदान रहा है। तो गांधी जी ने अकेले कोई भी काम नहीं किया है, उन्हें सभी का साथ भी मिला है। तो उन महापुरुषों का नाम भी जानना बहुत ज़रूरी है। विनोबा भावे की का जन्म मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगी प्रश्न के लिए, कि जिसे का सवाल रहेगा कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ कब हुआ था, श्री विनोबा भावे जी का जन्म कब हुआ था और उनका पूरा नाम क्या था। ये दो सवाल आप लोगों के जीके का प्रश्न रहेगा। अभी मैं थोड़ा उनके बारे में बताना चाहती हूँ। विनोबा भावे जी की जो ख्याति मिली वो उनके एक महत्वपूर्ण आंदोलन की वजह से मिली, भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन, भूदान का मतलब क्या होता है? भू मतलब होती है जमीन, और जमीन का स्वेच्छा से दान करना। हमारे देश में एक ऐसी स्थिति थी जब कुछ लोगों के पास बहुत सारी जमीनें हुआ करती थी, बहुत बड़ी बड़ी जमीनें हुआ करती थी, और ऐसे लोग बहुत कम थे। उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी और उनके पास रख रखाव की भी दिक्कतें हुआ करती थी, और ज़्यादा लोग ऐसे थे जिनके पास ज़मीन के नाम पे कुछ एक टुकड़ा भी नहीं था। ऐसे में विनोबा भावे जी ने भूदान आंदोलन चलाया, जिसमें उन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि वो लोग स्वेच्छा से, अपने इच्छा से ज़मीन का दान करें, ताकि उन ज़मीनों को वो, जिनके पास ज्यादा जमीन है वो लोग स्वेच्छा से जमीन को दान करें, और उस जमीन का, उस जो जमीन दान के बाद जो जमीन मिली है उसका फिर से वितरण हो, पुनर्वितरण हो, ऐसे लोगों के पास भी जमीन हो जिनके पास कोई भी जमीन नहीं है, और वैसे जमीन पे स्कूल खोले जाए, अस्पताल बनाए जाए। तो इसके लिए लोगों को प्रेरित करना, जहाँ आप देखते होंगे कि जमीन के एक एक इंच के लिए खून खराबा भी हो जाता है, वहाँ पे लोगों ने अपनी इच्छा से कई कई बीघा जमीन दान की, उनके ही प्रेरणा की वजह से, और हमारे देश का यह स्वरूप आज विकसित हो पाया है। तो विनोबा भावे जी के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए सभी के लिए, उनके लिए। और एक बार हम लोग उनके नाम का जयकारा लगाएंगे। विनोबा भावे की, विनोबा भावे।
जय। विनोबा भावे जय। विनोबा भावे अमर है, अमर है। विनोबा भावे अमर है, अमर है। देखिए विनोबा भावे जब घर घर जाते थे तो गाते थे, मुझे दे दो धरती दान सतगुरु हो दाता जी। जब जमींदारों के पास जाते थे, चूंकि बहुत सारे भूमिहीन थे, मतलब इस तरह का बंटवारा ही था देश में, जमींदारों के पास बहुत जमीन और एक मजदूर के पास एक घर के लिए भी जमीन नहीं, तो वो दान मांगते थे जमींदारों से, कहते थे कि हमको दान में जमीन दीजिए और फिर उस जमीन को हम मजदूर गरीब को देंगे। समझ रहे हैं ना कितना बड़ा काम हुआ है आजादी के बाद, बहुत बड़ा। और पूरे देश में घूमे हैं, पैदल मार्च किए हैं, गांव गांव पैदल मार्च किए हैं विनोबा जी, पूरे देश में घूम घूम के गरीबों के लिए वो जमीन मांगते थे जमींदारों से। और जमींदार क्या करते थे, विनोबा जी के झोली में क्या देते थे, जमीन देते थे। क्या देते थे, बोलते थे हमको सिर्फ जमीन चाहिए और कुछ नहीं। वहां से जमीन लेके उसी गांव के गरीब मजदूर को वो दे देते थे। समझ रहे हो ना, तो कितना बड़ा काम किया, हम कितने बड़े समाज सेवी थे। तो मेरे से कहा मुझे दे दो धरती दान सतगुरु हो दाता जी, दान सतगुरु हो दाता जी। विनोबा भावे इस तरह से गाते थे, भिक्षाटन में जमीन मांगते थे और फिर गरीबों और मजदूरों को दे देते थे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा लाए थे, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपको कुछ बोलना है।